हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राइम वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में आज के दिन का जो यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप का लास्ट मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको जीएल में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके आप जा सकते हो, जिससे आपके विनिंग के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये प्रॉपर स्टैट्स वाला वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको ड्रीम 11 में समझा रहा हूं कि कौन सा प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट रहेगा और वो प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपको बताऊंगा। कौन से प्लेयर इस मैच के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन हो सकते हैं एंड कौन सा गेंदबाज आपको दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी कर सकता है, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, लास्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 थी, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए। हां, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो काटमा ओवल, काटमा में ये मैच खेला जाएगा। अगर यहां के पिच की बात किया जाए तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा। देखो यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप में जितने भी अभी तक मैच खेले गए सारे में अच्छे खासे रन स्कोर हुए हैं, क्योंकि जितने भी टीम है उनके पास क्वालिटी बैट्समैन है जो रन स्कोर करके जा रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक मैच में, और बाउंड्री छोटा है इसका भी इनको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर इनका एस भी लगता है तो भी अच्छे खासे रन देकर जाते हैं, और ज्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं है, आर्टिफिशियल विकेट है तो विकेट स्लो होने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इससे वजह से और भी अच्छे रन स्कोर होकर जा रहे हैं इस पिच पर। और देखो दोनों ही टीम स्ट्रांग है, खासकर इसलिए ओपमैन की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप है बहुत ही शानदार है, उनके अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप 150 से 160 के बीच में रन एक्सपेक्ट करके चलना। ग्रीस के पास भी अच्छे अच्छे बैट्समैन लाइक एस अफरीदी, एस खान, अनीस कुमार, ये सब बढ़िया बढ़िया प्लेयर है जो आपको अच्छे खासे रन स्कोर करके जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख के चलना। अगर बात करें पेसर और स्पिनर्स में, अपने टीम में जितने हो सके क्वालिटी पेसर्स को ट्राई करना, क्योंकि देखो स्पिनर्स होते हैं उनका ओवर कट कर दिया जाता है, बाउंड्री छोटा होता है जिसकी वजह से बल्लेबाज मैक्सिमम टाइम उनको टारगेट करते हैं और अच्छा खासा रन स्कोर करके जाते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन उनको दोबारा मौका नहीं देता, ये भी आप एक चीज ध्यान में रख के चलना। तो पेसर्स को अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। अगर वेदर का बात किया जाए तो धूप निकली हुई नजर आ सकती है, इससे दो तीन फायदे, एक तो बारिश नहीं होगा, तो बारिश नहीं होता तो प्रॉपर पूरा मैच होगा तो रिस्क कम हो जाता है, दूसरा फायदा रहता है कि बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आती है जिसकी वजह से रन स्कोर करके इस मैच में बल्लेबाज अच्छे खासे जा सकते हैं। बाकी अगर एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 158 रन का है। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, खासकर इसलिए ओपमैन की बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 150 प्लस इस मैच में रन एक्सपेक्ट करके चलना। बाकी टोटल 29 विकेट गिरे हैं लास्ट के 5 मैचेस में से, जिसमें से 22 विकेट आपको स्पिनर्स ने और सिर्फ 7 विकेट पेसर्स ने, सॉरी 22 विकेट पेसर और स्पिनर्स ने 7 विकेट पिक कर रखा है। तो देखो धीरे धीरे विकेट का कॉलम स्पिनर्स का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, और पहले जो थे वो नॉर्मल स्पिनर्स के दे देते थे और एक ओवर उनका कट हो जाता था, और पेसर्स भी थोड़े बहुत अब इनइफेक्टिव हो रहे हैं, बट अभी भी पेसर्स को अपने टीम में मैक्सिमम ट्राई करके चलना। ताकि अगर हेड टू हेड का बात किया जाए तो लास्ट मतलब इनके जो 5 सालों में 3 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 2 मुकाबले आपको ग्रीस की टीम ने जीते और 1 मुकाबले आपको यहां से इसलिए ओपमैन की टीम ने जीते, तो यहां से ग्रीस की टीम का थोड़ा सा ज्यादा मतलब फेवर कर रही है, ज्यादा नहीं कह सकते हो आप, लिटिल बिट 60-40 का यहां से चल रहा है जो ग्रीस की टीम फेवर कर रही है, बट अगर यहीं पर अगर रिसेंट में बात किया जाए तो दोनों टीम बराबरी पे है, 5 में से 3 जीत कर आ रही है ग्रीस की टीम और 5 में से 3 मुकाबले जीत कर आ रही है इसलिए ओपमैन की टीम, तो सेम दोनों का चल रहा है, ग्रीस का भी और इसलिए ओपमैन का भी, तो जो मतलब यहां से अगर मेरे को मानो तो इसलिए ओपमैन की टीम थोड़ी सी बेटर लग रही है एज कंपेयर टू ग्रीस की टीम, तो मैं इस मैच में फेवरेट करके इसलिए ओपमैन की टीम को जाऊंगा। अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो डेफिनेटली आप इसलिए ओपमैन को जिता सकते हो। बाकी टॉप पिक की बात किया जाए इस मैच में तो एस खान, जैसा कि मैंने बताया एस खान एक क्वालिटी प्लेयर है जो आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म मान के चलो और ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हैं, तो दो दो जगह सबको पॉइंट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन चॉइस इस मैच के लिए रहेंगे एस खान। बाकी एस अफरीदी का बात किया जाए तो इनसे भी आप 2 ओवर एक्सपेक्ट करके चलना, और ये विकेट भी निकालते हैं और रन भी स्कोर करके जाते हैं, तो डेफिनेटली ये भी अच्छे चॉइस होंगे। देखो एस अफरीदी 2 हो चुके, दोनों बाय डिफॉल्ट है तो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और 2 ओवर कंफर्म गेंदबाजी करते हैं। वहीं पर अनीस सिंह का बात किया जाए तो ये 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे बेहतरीन बल्लेबाज, डेफिनेटली इनको मिस मत करना। अगर बात किया जाए इसलिए ओपमैन की तरफ से तो ई बियर्ड चाहे कोई भी फ्लॉप हो जाए, ई बियर्ड आपको ऑलमोस्ट हर एक मैच में रन स्कोर करके आ रहे हैं, तो ये आपके टीम के वाइस कैप्टनसी के भी एक अच्छे मटेरियल है। अगर इनको स्मॉल लीग में वाइस कैप्टनसी नहीं कर पा रहे हो तो जीएल में डेफिनेटली इनको रोटेट करके चलना।
अगर वो वेबस्टर का बात किया जो तो भी एक बेहतरीन चॉइस है, वो वेबस्टर आपको ओपनिंग बल्लेबाजी और दो ओवर की गेंदबाजी करके आ रहे हैं। और इनका अगर लास्ट मैच छोड़ दिया जाए तो उससे पहले सारे मैचेस में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके आ रहे हैं। सी वेबस्टर इन्होंने भी कल के दिन काफी बेहतरीन प्रदर्शन किए थे, तो आज भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे अच्छे खासे रन स्कोर करके इस मैच में जाएंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर का बात किया जाए तो देखो दोनों टीम्स का लास्ट के तीन मैचेस का मैं बैटिंग ऑर्डर आपको बता दूंगा। और देखो थोड़ा बहुत ये जीएल में आप यूज कर लेना, बट अगर आपको प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर चाहिए, प्रॉपर प्लेइंग 11 चाहिए और विद प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब तो जाकर ज्वाइन कर लोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसा हमारा टीम रहता है। विनिंग स्क्रीनशॉट मैं वहीं पर शेयर करते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। देखो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर जब लाइनअप दिखाऊंगा तब बताऊंगा। देखो यहाँ से एस अफरीदी एस खान ओपनिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक मैच में, इसमें भी करेंगे। एस सिंह और ए मोहम्मद चार हो गए टॉप फिक्स, इनके टॉप फोर कन्फर्म रहते हैं हमेशा हर एक मैच में। बाकी इनका नंबर पांच सी बैंक डोज खेल रहे थे बट अभी वो खेल नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से नंबर पांच पे आपको दिखेंगे। यहाँ से ये कर लेना कि एच तारिक नंबर पांच और नंबर छह पर एस सदाब दिख जाएंगे। अगर इसलिए अपमैन की बात किया जाए तो देखो वेबस्टर ई बियर्ड और वेबस्टर दोनों आपको मतलब भाई दोनों वेबस्टर है वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। ए वेंडरबर्ग पहले नंबर छह पर बल्लेबाजी करते थे बट अब ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेट चॉइस होंगे, बॉलिंग से भी दो ओवर कराते हैं। एल वार्ड उतने अच्छे चॉइस नहीं होंगे, जीएल में करना, बाकी नंबर पांच पे इनका कन्फर्म रहता है। और लैंगफोर्ड आपको नंबर छह पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। तो ये दोनों टीम्स के टॉप सिक्स बल्लेबाज बता दिया मैंने, अब बताता हूँ कि लास्ट मैच में दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 क्या था, उसके हिसाब से बताऊंगा कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एस अफरीदी इन्होंने 1100 प्लस पॉइंट अभी तक स्कोर कर चुके हैं और एस अफरीदी बहुत ही शानदार फॉर्म में, तो कैप्टनसी के सबसे डिफॉल्ट होंगे। वेबस्टर इधर से बाय डिफॉल्ट कैप्टन से वाइस कैप्टनसी च्वाइस होंगे। बाकी एस खान ए सिंह और ए मोहम्मद टॉप फोर्थ इधर से कंफर्म है, किनको आप आंख बंद करके ट्राई करके चलना है। बाकी पांचवे में अगर इधर से ट्राई करना चाहते हो तो शादाब और जी ग्लेनिस एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं पांचवे ऑप्शन के रूप में, बाकी और कोई इतने इधर से अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो ये टॉप सिक्स प्लेयर अगर इनमें से छह प्लेयर ट्राई करना चाहते हो तो ये हो जाएंगे। अगर बात किया जाए इसलिए ऑपमैन की तरफ से तो वेबस्टर और ई बियर्ड ने भी अभी तक 1000 प्लस पॉइंट दे चुके हैं। तो देखो कैप्टनसी या तो इनको कॉम्बिनेशन यूज कर लेना या तो इनको कॉम्बिनेशन यूज करके चलना, ऐसा कर सकते हो तो अच्छा खासा आपका रैंक आ सकता है स्मॉल लीग में। इधर से वेबस्टर ई बियर्ड और वेबस्टर तीनों इंपॉर्टेंट आएंगे, फिर उसके बाद ए वेंडरबर्ग टॉप के फोर इधर से कंफर्म हो गए, पांचवे हो जाएंगे सी लैंगफोर्ड और के काउटे। इधर से अगर पांच में आपको डिफॉल्ट बता देता हूँ, बाकी किस पर रिस्क लेना है ये मैं आपको बता दूंगा। ये वेंडरबर्ग चार हो गए, पांचवे के काउटे, पांच डिफॉल्ट हो गए, ट्राई करना ही करना है। और इधर से ये चार हो गए और ए सदाब और जी ग्लेनिस और यहाँ से सी लैंगफोर्ड, इधर से मतलब आठ प्लेयर और तीन प्लेयर इन मतलब दो प्लेयर इन तीन में से किसी एक को ट्राई करके चले जाना, एक में आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, इन 12 प्लेयर में से 11 प्लेयर आपको ट्राई करके चलना है। देखो अगर बात किया जाए विकेट कीपिंग सेक्शन से तो ए सिंह और सी वेबस्टर और ए मोहम्मद आंख बंद करके ट्राई करना, तीनों ही बेहतरीन चॉइस होंगे। बाकी ई बियर्ड बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में चॉइस होने चाहिए, बैटिंग से बहुत ही शानदार फॉर्म में है। ए सफरीदी वेबस्टर और ए वेंडरबर्ग ये तीन होगा कंफर्म, चौथे में लैंगफोर्ड का सिलेक्शन काफी हाई है, मैं भी ट्राई कर ले रहा हूँ क्योंकि देखो ये चलने के चांसेस इनके काफी ज्यादा ही है और चल गए तो वन साइडेड लॉस करा सकते हैं। बाकी देखो के काउटे और एस खान दो तो डिफॉल्ट हो गए, अब यहाँ पर हमें एक प्लेयर पर रिस्क लेना है, एस सदाब या जी ग्लेनिस से। देखो जी ग्लेनिस स्पिनर्स है और स्पिनर्स का ओवर में भी कट हो जाता है, तो इसके वजह से मैं एस सदाब को ट्राई करके जा रहा हूँ। देखो कैप्टनशिप सबसे बड़ा गेम इस मैच में कैप्टनशिप पर डिपेंड होगा क्योंकि सब लोग सेम टीम के साथ आएंगे, कैप्टन सर्वाइस कैप्टनशिप अगर आपका सही रहा आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो इस मैच में। ए सफरीदी देखो डिफॉल्ट कैप्टन, 50% लोग इनको वाइस कैप्टन कैप्टनसी देकर आ रहे हैं, वाइस कैप्टनसी में आपके पास ई बियर्ड और वेबस्टर दो बेहतरीन चॉइस है। वेबस्टर आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान करते हैं बट इतने कंसिस्टेंट बैटर नहीं है जितने ई बियर्ड है, तो इनमें से किसी एक पर आपको रिस्क लेकर चलना है। बट वेबस्टर आपको दो डिपार्टमेंट से परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको मैं वाइस कैप्टनसी देकर जा रहा हूँ। बाकी आप पॉइंट के बेस पर टीम मत मतलब वाइस कैप्टनसी मत देना, देखना जो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है। मैं बाकी तीन मिनी जेल के टीम दिखा देता हूँ, वैसे तो एक ही दिखाना चाहिए बट मैं आपको तीन दिखा देता हूँ। बाकी इस वीडियो पर प्रॉपर कमेंट रहा तो नेक्स्ट मैच में भी तीन जेल की टीम आपको शेयर करूंगा।
देखो आपको यहाँ से कुछ प्लेयर नहीं छेड़ना है, जो रिस्क लेना है यहाँ से या तो लैंगफोर्ड को ड्रॉप करके यहाँ से जी ग्लेनिस को कर लेना। ये पहला रिस्क की वजह से मैं कैप्टन से वाइस कैप्टनशिप पर रिस्क लूंगा, वाइस कैप्टनशिप कैप्टनशिप इनको दे देता हूँ, वाइस कैप्टनशिप इनके ले देता हूँ। अगर मतलब चल गए शाहीन एस अफरीदी को कम पॉइंट देना होगा ई बी एड से, देखो पॉइंट तो जरूर देंगे एस अफरीदी बट कम दे तो हमारा ये ड्रिंक टैंक मतलब टीम है वो काफी अच्छा खासा कर सकती है। तो हमारी पहली मिनी जीएल की टीम। दूसरी की बात करें तो एस सदाब और जी ग्लेनिस को ट्राई कर रहा हूँ और सी लैंगफोर्ड इधर से कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगी हमारी दूसरी टीम। और इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, कैप्टन से वाइस कैप्टन से रिवर्स कर देता हूँ। ये हमारी दूसरी मिनी जेल की टीम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो डेफिनेटली ले सकते हो ये दूसरी। अब तीसरी मिनी जेल की टीम आपको दिखा देता हूँ, कोई चेंजेस नहीं होगा टीम में, बस यहाँ पर जी ग्लेनिस के प्लेस पे मैं एस सदाब को कर लूंगा और कैप्टनसी ई बियर्ड और वाइस कैप्टनसी वेस्टर को दे दूंगा। ऐसी ये टीम हो जाएगी मेरी तीसरी मिनी जीएल की टीम। तो ये तीनों जीएल की टीम आप जरूर यूज करना, आपका अच्छा खासा रैंक आ सकता है। मैं जो लास्ट मैच का जीएल की टीम दिखाता हूँ आपको क्या रिस्पांस था उधर उधर से मेरे की तरफ। ये हमारी दूसरी मिनी जीएल की टीम और ये हो जाएगी हमारी तीसरी मिनी जीएल की टीम। और ये हमारी जो स्मॉल लीग की टीम है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आफ्टर टॉस में आपको टीम प्रोवाइड कर दूंगा, अगर कुछ चेंजेस होगा तभी चेंज करूंगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करूंगा। वो चेंजेस देखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।